नमस्कार, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि गोदौलिया चौराहे से दशा सोमेद घाट तक का चौड़ीकरण कितना परिवर्तन हो चुका है, आइए देखते हैं। इस समय हम हैं गोदौलिया चौराहे पर और यहाँ से आप सीधे जा सकते हैं दशाश्वमेध घाट के लिए, विश्वनाथ जी मंदिर के लिए और साथ ही साथ काल भैरव के लिए। यहाँ से ये जो सीधे वाला रास्ता जाता है ये गंगा घाट पर जाता है और वहीं आपको दशाश्वमेध घाट भी मिलेगा। जैसे ही हम गोदौलिया चौराहे से आगे बढ़े हमें महात्मा गांधी जी मिले और यहाँ पर देखिए गांधी जी से मुलाकात करके लोग काफ़ी खुशी महसूस कर रहे थे। और इसके आगे बढ़ने के बाद आपको लेफ्ट साइड में विश्वनाथ गली दिखाई देगी और यह गली श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल तक जाती है। जब कॉरिडोर नहीं बना था तो उस वक्त इसी गली के माध्यम से लोग दर्शन करने जाया करते थे। और यहाँ से शुरू होता है गोदौलिया टू दशाश्वमेध घाट का चौड़ीकरण। अब यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको दो रास्ते दिखाई देंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। लेफ्ट वाला दशाश्वमेध घाट पर चला जाता है, साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद घाट पर चला जाता है और राइट वाला जो है वो शीतला माता घाट पर चला जाता है। अभी शाम का वक्त है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौसम भी काफ़ी खूबसूरत है और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है इस वक्त, इतनी भीड़ को नॉर्मल भीड़ ही आप कहेंगे। चलिए जैसे ही हम आपको यहाँ से आगे लेकर के चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो भी अतिक्रमण था यहाँ पर उसको हटाया गया है और अब वहाँ पर पत्थर लग रहा है, नए नए चुनार से पत्थर आ रहे हैं और यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल आधुनिकीकरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर कैसे, ये देखिए एक खूबसूरत यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है देश बंधु जी की, चित्रंजन दास जी की। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत, और उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं किस प्रकार से पत्थर लगाए जाने का काम हो रहा है और साथ ही साथ यह जो नाली बनी हुई है ये काफ़ी अत्याधुनिक ढंग से नाली बनाई जा रही है यहाँ पर। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की जीप भी खड़ी है और ये देखिए आज से कुछ दिन पहले ही यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी और बहुत सी सब्जी मंडी भी यहाँ पर लगाई जाती थी, लेकिन अब सभी अतिक्रमण को हटा दिया गया है। और उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो लोकेशन था ना वहाँ पर एक चाय की दुकान हुआ करती थी। जब भी हम आते थे दशाश्वमेध घाट तो यहाँ चाय ज़रूर पिया करते थे, चूँकि रास्ते का पूरा जो थकान था वो मिट जाया करता था और इनकी चाय बहुत ही बेहतरीन हुआ करती थी। लेकिन अब वो चाय की दुकान भी यहाँ से हटा दी गई है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस हो चुका है। हालांकि यह टेम्पररी दर्द है उन लोगों के लिए जिनकी यहाँ पर शॉप हुआ करती थी, बट आने वाले समय में उनके लिए भी बेहतरीन होगा, टूरिस्ट भी यहाँ पर आएंगे और साथ ही साथ जो भी लोग दर्शन करने के लिए आएंगे उनके लिए काफ़ी यह फ़ायदेमंद और काफ़ी विस्तार रूप यह रास्ता मिलेगा। देखिए किस प्रकार से इसका विस्तार किया जा रहा है। यह जो पत्थर लग चुका है यही एक्चुअल में रोड था, लेकिन किनारे में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर दुकानें लगा करती थीं। ये देखिए हनुमान जी का, आगे बढ़ लेते हैं आपको और आगे दिखाते हैं। देखिए किस प्रकार से कंक्रीट को यहाँ पर बना करके इससे रोड का निर्माण किया जा रहा है और पत्थर के साथ साथ यहाँ पर इसकी ढलैया भी की जा रही है। यह लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए है, काफ़ी बेहतरीन ढंग से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और आने वाले कुछ ही समय के बाद यहाँ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हो जाएगा, लोगों को आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जलकल विभाग वाराणसी और साथ ही साथ यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है आप कह सकते हैं इसको, इसमें भी आप जा सकते हैं, इसका टिकट लगता है। ये देखिए संग्रहालय है, बहुत ही खूबसूरत है, इसके अंदर जा कर के आप पूरी बनारस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं वीडियोग्राफी की वजह से, वीडियो के माध्यम से वहाँ पर आपको दिखाया जाता है, पूरा समझाया जाता है। ये देखिए सामने गंगा माँ का नज़ारा और यहाँ से राजेंद्र प्रसाद घाट और लेफ्ट में दशाश्वमेध घाट आपको दिखाई देगा।
यह देखिए कितना खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है, ओम लिखा हुआ है, महादेव को बनाए जाने की कोशिश की गई है। और शाम का वक्त है, यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा गंगा जी का किनारा है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।